वेलकम टू ECL सेफाली प्राइवेट ITI। मेरा नाम सौरभ प्रधान, हम वेल्डर इंस्ट्रक्टर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कैल्शियम कार्बाइड जनरेटर और ऑक्सीजन मिला के कैसे वेल्डिंग करते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड जो जनरेटर है उसको कैसे गैस हम लोग जनरेट करते हैं उसका बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो जनरेटर है, जनरेटर का नीचे हम लोग देख पा रहा है ये है ट्रे। तो इस ट्रे में कार्बाइड, ट्रे में कार्बाइड डालना पड़ता है। तो कार्बाइड डालने के लिए सबसे पहले इसको जो दो नाट है दोनों साइड में, दोनों नाट को ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के बाद ये है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है ये 200 से 250 ग्राम इस ट्रे का अंदर डालना पड़ता है इस तरह। डालने के बाद इसको लॉक किया जाता है। इसको बढ़िया से टाइट करना पड़ता है दोनों साइड से, गैस लीकेज ना हो इस कारण में इसको बढ़िया से टाइट किया जाता है। टाइट करने के बाद इस टैंक का ऊपर में वाटर सप्लाई देना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको ओपन करके इसका अंदर वाटर डाला जाता है। डालो, उसके बाद इस लॉक को लगाया जाता है। इसको भी बढ़िया से टाइट करना पड़ता है, गैस लीकेज ना हो। तो सारा चीज़ जो है इसको टाइट करके नेक्स्ट ये जो है इसको सेफ्टी वाल्व कहता है, और ये जो है ये रेगुलेटर है। जब गैस जनरेट होने लगेगा तो इस डायल में दिखने लगेगा कि कितना लीटर गैस जनरेट हुआ है। और एक आउटलेट है, आउटलेट का आगे एक वाल्व रेगुलेटर लगा हुआ है जिससे गैस जाता है। नेक्स्ट इसको टाइट होने के बाद धीरे धीरे करके
पानी को छोड़ना पड़ता है इस रेगुलेटर का द्वारा, धीरे धीरे करके पानी को देना पड़ता है। तो गैस जनरेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग, ये है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ये है सिलेंडर की और यूनियन नाट के साथ आउटलेट पाइप दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर को हम लोग ओपन करेंगे सिलेंडर की का द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो है वेल्डिंग टॉर्च। वेल्डिंग टॉर्च में दो रेगुलेटर लगा हुआ है, एक एसिटिलीन का और एक ऑक्सीजन का, ठीक है। तो सबसे पहले जलाने के लिए हम लोगों को एसिटिलीन का जो रेगुलेटर है उसको ओपन करना पड़ता है। तो गैस धीरे धीरे आने लगा, तो इसको पहले हम लोग ओपन करेंगे, जलाएंगे। इस तरह जलाने के बाद धीरे 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 हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और मिक्सिंग करेंगे। तो इस तरह फ्लेम बनाया जाता है। हम लोग जान रहा है कि इस फ्लेम में तीन को फ्लेम बनता है, जैसे न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजेशन फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो सबसे न्यूट्रल फ्लेम जो होता है वो वेल्डिंग करने के लिए सबसे सूटेबल फ्लेम होता है। तो न्यूट्रल फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम बन गया। यदि कभी भी कारण में ये जो पटाखा जैसा आवाज़ हो रहा है, ये इसको कहता है बैकफायर। बैकफायर होने का वजह जो होता है वो होता है यदि हम लोग मिस सेटिंग करते हैं ऑक्सीजन बा एसिटिलीन को यदि ज़्यादा कम बढ़ाते हैं तो बैकफायर होने का चांसेस रहता है। तो इसी तरह न्यूट्रल फ्लेम बन गया और हम लोग वेल्डिंग करेंगे। तो यही था आज का वीडियो। धन्यवाद।